दोस्तों इस वेले दी एक खास खबर दा रुख कर लेने आ। खबर जुड़ी हुई है जी अमृतपाल सिंह दे नाल। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दे साथियां दी फड़ो फड़ी जा रही है। अज पट्टी तो अमृतपाल सिंह दा एक होर साथी वरिंदर सिंह गिरफ्तार होण दी सूचना मिली है। दस्या जा रहा है कि ओह अमृतपाल सिंह दा गनमैन सी। उधर अमृतपाल सिंह अजे भी पुलिस दी गिरफ्त तों बाहर है। असल जानकारी मुताबिक अमृतसर देहाती पुलिस ने अमृतपाल सिंह दी एक होर साथी नू गिरफ्तार कीता है। उसकी पहचान वरिंदर सिंह उर्फ फौजी वासी तरनतारन वजो हुई है। पुलिस उस नू असाम दी डिब्रूगढ़ जेल भेज दिता है। फौजी थल सेना च सेवा मुक्त है। उस कोल जम्मू कश्मीर तो जारी हथियारां दा लाइसेंस सी जो 23 फरवरी नू अजनाला झड़प तो बाद रद्द कर दिता गया सी। ओह उन्हां 10 बंदूक धारियां विच शामिल सी जो हर समय अमृतपाल दे नाल रहिंदे सन। इस दे नाल ही पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दे सर्च ऑपरेशन दौरान 18 मार्च मगरों फड़े 353 नौजवानों चों हुण तक 197 नौजवानों नूं रिहा कर दिता है। पुलिस ने मुढ़ली पड़ताल मगरों इन्हां नौजवानों नूं छड्डण दा फैसला कीता है। हासिल जानकारी मुताबिक पुलिस दी कार्रवाई मगरों बहुते मापिआं ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तक भी पहुंच कीती सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस नूं हदायतां कीतीआं ने कि अमन शांति भंग करन दे तहत जां गंभीर अपराध गतिविधियां विच गिरफ्तार कीते व्यक्तियां दे केसां दी जांच दौरान सकारात्मक पहुंच अपनाई जावे। सूबे दे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी गौरव यादव ने दस्या के सूबे दे सारे एसएसपी अते सीपीज नूं एह यकीनी बनाउण लई निर्देश जारी कीते गए ने कि किसे भी बेकसूर व्यक्ति नूं तंग परेशान जां गिरफ्तार ना कीता जावे। डीजीपी अग्गो कहा कि रोकथाम दीआं धाराओं तहत गिरफ्तार कीते गए 353 व्यक्तियों तों इलावा 40 व्यक्तियों नूं ठोस अपराधिक गतिविधियां तहत गिरफ्तार कीता गया है ते 7 व्यक्तियों नूं कौमी सुरक्षा एक्ट तहत हिरासत च लिया गया है। सो मिलदे जी नवीं अपडेट दे नाल, तद तक लई धन्नवाद।